बीच में। दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूं उस भाषण की जो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघु राम राजन ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में दिया। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% वो नाकाफी है भारत के लिए। उन्होंने साथ ही यह भी बताया कि ये जो वृद्धि दर, ये जो विकास दर है, ये देश के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है और सही स्तर तक पहुंचने में कम से कम 30 से 40 साल भी लग सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने बताया कि जब नोटबंदी नहीं हुई थी, जीएसटी नहीं लगी थी, उससे पहले 2012 से 2016 के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ कंपटीशन कर रही थी, बहुत तेजी से बढ़ रही थी। नोटबंदी के फैसले ने और जीएसटी के फैसले ने देश को बहुत बड़ा झटका दिया। उसके कई कारण रहे दोस्तों। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि हमारा देश जो है वो श्रम शक्ति है, इसमें जो है काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, रोजगार पर जीने वाले लोग हैं। जब कहीं भी, या इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं पर नौकरी करता है, उस कारखाने के आसपास छोटे मोटे धंधा करने वाले लोग, उनको भी आमदनी उससे होती है। वो अपनी फैमिली के साथ वहां पर रहता है कोई कर्मचारी, तो वो राशन भी वहां की लोगों से लेता है, छोटी मोटी चीजें खरीदता है, तो जहां वो रह रहा है वहां की इकोनॉमी डेवलप होती है क्योंकि उनकी दुकानदारी बढ़ती है, चीजों की मांग बढ़ती है। और जब ये चीजें एकदम खटाक से काट दी जाए तो क्या होगा, इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मान लीजिए आपके कोई दूध देने वाला रोज आता है और आप उसका दूध बंद कर दें, तो बेचारा उसका जो आमदनी हो रहा था वो तो खत्म हो गया ना, तो उसको जो चारा खिलाना पड़ रहा है अपने पशु को, वो तो खरीदना ही है उसे, वो तो पालना ही है, तो वो कहां से लाएगा जब आमदनी उसकी नहीं होगी। ऐसा ही कुछ इस देश के साथ हुआ। रघुराज रामन ने यह बताया कि देश की इकोनॉमी को जरूरत है भारतीय रिजर्व बैंक जैसी सीट बेल्ट की। इस सीट बेल्ट को बांध करके सरकार देश की तरक्की कर सकती है। अगर इसी सीट बेल्ट को तोड़ दिया जाए, इसी रिजर्व बैंक को तोड़ दिया जाए और बिना सीट बेल्ट के दौड़ाया जाए विकास की रफ्तार में, तो हिचकोले तो आते ही हैं और डूबने के चांस ज्यादा रहते हैं और इकोनॉमी में बार बार प्रधानमंत्री मोदी को नोटिफिकेशन देने पड़ते हैं। उन्होंने अपने भाषण में एक बात बहुत क्लियर कही जो पहले वो कभी नहीं कह पाए गवर्नर रहते हुए। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि बहुत सी चीजें प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ निगाहें उठा करके देखती हैं क्योंकि सारे ऑर्डर्स वहीं से आते हैं। जो भी मंत्रालय है, अगर उनके द्वारा कोई काम होना है, तो जब तक फाइनल ऑर्डर पीएमओ से नहीं आएगा तब तक वो काम आगे नहीं बढ़ेगा, यानी केंद्रीयकरण हो गया सत्ता का, जिसकी वजह से भी देश की विकास दर धीमी हो गई। दोस्तों, मोदी जी के हस्तक्षेप ने देश की इकोनॉमी को बहुत बड़े क्राइसिस में लाके खड़ा कर दिया है। रघुराम राजन का यही कहना था और मैं यही सार आपको बताने आपके बीच में आया था। कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो पसंद कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत की सरकार को आर्थिक विकास पर काम करना है तो उन्हें राहुल द्रविड़ की तरह बैटिंग करनी होगी, ना कि नवजोत सिंह सिद्धू की तरह 6/6 लगाने की जरूरत है। देश बहुत बड़ा है, इकोनॉमी क्रश हो जाएगी तो देश नष्ट हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी, बेतहाशा वो हाल हो जाएगा जो किसी जमाने में और मुल्कों का हो चुका है।